Hello everyone and welcome back to the next video lecture of Applied Mathematics. I am Neha Agrawal and I am a faculty at the Department of Mathematics from NIT Polytechnic, Nagpur. Topic of our today's lecture is derivative of logarithmic function. So let's see the course outcome. Calculate the equation of tangent, maxima, minima and radius of curvature by differentiation. So let's see what are the learning outcome. So after watching this video, you will be able to know what is the derivative of logarithmic function and how to solve एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन इट. आज का ये वीडियो देखने के बाद आप सभी को लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है और उसके ऊपर डिपेंड एग्जाम्पल्स को किस तरह से सॉल्व किया जाता है ये अच्छे से समझ में आने लगेगा. तो आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस. इसके पहले हमने कंपोजिट फंक्शन देखा है, ठीक है. आज हमने जो डेरिवेटिव में जितने भी आप इसके पहले प्रीवियस पढ़ चुके हैं, जो भी मतलब प्रोडक्ट रूल वगैरह सारे रूल्स आपने या फिर कंपोजिट फंक्शन, हमेशा आपको जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे इसके पहले वाले जो भी आप फंक्शंस पढ़ चुके रहेंगे या रूल्स पढ़ चुके रहेंगे या फिर फॉर्मूले, सबका आपको क्या करना है, हर इसमें क्या होगा उसका यूज़ होते जाएगा, ठीक है. तो ये क्या होता है, अब हम देखते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन. लॉगरिथमिक फंक्शन मीन्स जिसमें लॉग लगा हो. क्या हो, जिसमें लॉग लगा हो. जैसे कि हमने देखा था, क्या देखा है हमने, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, हम उसके पहले देख चुके हैं. डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स ये होता है 1/x. अब हम जितने भी फंक्शंस पढ़ेंगे सब में क्या लिखा रहेगा, लॉग लिखा रहेगा, ठीक है. जैसे कि हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ सकता है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ए एक्स प्लस बी, इस तरह से भी क्या आ सकता है, टर्म आ सकता है. इसका हमें क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है. हमें लॉग का डेरिवेटिव पता होना चाहिए और इसमें हमें कंपोजिट फंक्शन का भी यूज़ करना पड़ेगा. कैसे, सब में पहले हम चेक करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका डेरिवेटिव है या नहीं. तो इसका डेरिवेटिव स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, नहीं है इसका डेरिवेटिव स्टैंडर्ड फॉर्म में. तो क्या हो जाता है इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव कुछ भी नहीं होगा क्योंकि अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका डेरिवेटिव है ही नहीं. लेकिन हमें देखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म के कौन से वाले फॉर्मूले से ये कंपेयर हो रहा है. तो कौन से फॉर्मूले से कंपेयर हो रहा है, लॉग एक्स वाले, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, क्योंकि लॉग लिखा है यहाँ पर. तो ये क्या हो जाएगा, 1/ax + b. ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारा डिस्टर्बेंस टर्म कहाँ पर दिखाई दे रहा है. तो यहाँ पर तो x था बट यहाँ पर क्या आया है, ax + b. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टर्बेंस टर्म. तो डिस्टर्बेंस टर्म का हमें फिर से क्या लिखना है, d/dx(ax + b). ये आपको बहुत ध्यान से लिखना है. आया समझ में, 1/ करके लिखोगे क्या, नहीं, सिर्फ x में चेंज हुआ है. तो वो जो टर्म है जहाँ दिखाई दे रहा है सिर्फ वह टर्म आप लोग को उसका क्या करना है, डेरिवेटिव लिखना है. तो इस तरह के जो भी हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, डेरिवेटिव पढ़ेंगे, ये सब क्या कहलाता है, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन. ओके, तो एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं आप. तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, इफ y = log(x²−2x+1), फाइंड dy/dx. तो देखिए यहाँ पर जो फंक्शन गिवन है उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, क्योंकि क्या है यहाँ पर, लॉग लिखा है, ठीक है. तो इस तरह के जो भी हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे लॉगरिथमिक फंक्शन. तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं. तो हमारे पास क्या गिवन है, y =
log of x square minus 2x plus 1. ये हमारे पास गिवन है. ओके हमें इसे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट. क्यों? क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, dy by dx. किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं हम, x की. ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल रहता है यहाँ पर वह उसी के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट करना पड़ता है. तो यहाँ पर कौन सा वेरिएबल था, x. ओके तो इसके बाद क्या हो जाएगा, हम दोनों तरफ क्या लिखते हैं, डी बाय डी एक्स. लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा वेरिएबल है, y. राइट हैंड साइड में क्या टर्म है, log of x square minus 2x plus 1. ओके अब सब में पहले क्या करूँगी, आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूँगी. तो क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में, log of, तो अभी मैंने बताया डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, 1 अपॉन x. यहाँ पर x की जगह क्या लिखा है, ये वाला ब्रैकेट का टर्म. ओके तो ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1. ओके इसके बाद आप इसे क्या करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर क्या है, x है, और यहाँ पर क्या आया है, ये पूरा टर्म. तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा डिस्टर्बेंस टर्म. तो इसका हमें क्या लिखना पड़ेगा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1. ठीक है, तो ये 1 अपॉन जो टर्म है वो क्या रहेगा, वो जैसे का वैसा ही रहेगा, वहाँ पर कुछ चेंज होगा क्या, नहीं. अभी जो ब्रैकेट टर्म है यहाँ पर देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, दो अलग अलग टर्म हैं, उनके बीच में माइनस का साइन है, फिर प्लस 1 है, यहाँ पर भी प्लस का साइन है. तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सम और डिफरेंस रूल अप्लाई करते हैं. उसके अकॉर्डिंगली क्या हो जाता है, उसके अकॉर्डिंगली दिए हुए सभी टर्म को हम सेपरेटली डी बाय डी एक्स प्रोवाइड करते हैं. डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1. अगर आप लोग को ये तीनों टर्म का डेरिवेटिव डायरेक्ट लिखना आने लगे तो आप उसे लिख सकते हैं. ठीक है, अगर नहीं आए तो क्या करना है आप लोग को, तो आप लोग को हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके इसे लिखना पड़ेगा. पहला जो फर्स्ट टर्म है ब्रैकेट के बाहर का, हमने उसे जैसे का वैसा लिख दिया. ओके अब देखिए, पहले हम क्या करते हैं, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में से देख लेते हैं. तो क्या है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, सब में पहले हमें देखना है कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर है क्या. तो इसे कैसे कंपेयर करूँगी, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन एक्स क्या है, वेरिएबल है और बेस में है. तो वेरिएबल बेस में ऐसा वाला कोई हमारे पास डेरिवेटिव है क्या, तो है हमारे पास कौन सा, एक्स रेस टू द पावर एन वाला. क्या हो जाता है ये, एन टाइम एक्स टू द पावर एन माइनस 1. तो यहाँ पर एन की जगह पर क्या है, 2 है. ओके तो अब हम वो यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम एक्स टू द पावर 2 माइनस 1. यहाँ पर ये जो 2 रहता है और x है यहाँ पर, तो x वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ कोई नंबर रहा तो हम क्या करते हैं, उसे डेरिवेटिव से बाहर लिख देते हैं. हम सिर्फ डेरिवेटिव किसे प्रोवाइड करते हैं, वेरिएबल को. प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1 हमें पता है क्या होता है, 1 क्या है, 1 है एक कांस्टेंट नंबर, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आता है 0. ओके तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ब्रैकेट 2x टू द पावर 2 माइनस 1 1 माइनस 2 डेरिवेटिव ऑफ x 1 प्लस 0.
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्स माइनस टू। ये जो ब्रैकेट टर्म है टू एक्स माइनस टू, हम उसे कहाँ लिख सकते हैं, वन के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ न्यूमरेटर में भी लिख सकते हैं। टू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। तो इस तरह हमने क्या कर लिया, इस तरह हमने लॉगरिथमिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करके उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो ये आप लोग की प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस एग्जांपल। ओके, आपको इन्हें ट्राई करना है, आंसर्स भी दिए हुए हैं, उन्हें टैली करिए। ओके, आवर अपकमिंग टॉपिक इज एग्जांपल्स बेस्ड ऑन डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। थैंक यू।